गाइस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में ये है टीवीएस का एक पवेलियन शो। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट एंड बाइक्स को शोकेस कर रखा है, तो मैं एक इसका आपको टूर करा देता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक से लेके जो नॉर्टन ब्रांड है या फिर जो इनकी ट्रैक बाइक है इलेक्ट्रिक, वो इन्होंने शोकेस कर रखी है। तो सबसे पहले सामने आप देख सकते हो ये टीवीएस ने शोकेस करी है इनकी ट्रैक बेस्ड एक ऑल इलेक्ट्रिक बाइक टीवीएस अपाचे आरटी। सो ये फुली इलेक्ट्रिक ट्रैक बाइक है। सो वैसे तो ये कभी कमर्शियल सेल के लिए अवेलेबल होगी नहीं, बट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से टीवीएस ने इसको डिज़ाइन करा है। इसमें ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी ये जो मोटर है वो, और ओवरऑल इसका जो लुक है वो काफ़ी जो नॉर्मल ट्रैक बाइक होती है उसी की तरह इसका लुक है। सो टीवीएस अपाची आरटी, सो गाइस इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट से इसका जो लुक है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। सो अगर आपको इसके बारे में अगर पढ़ना है तो यहाँ पे पूरा डिटेल में सारा कुछ दिया गया है। सो पावर आउटपुट जो स्पेक्स वगैरह है उनका सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो ये फुली एरोडायनामिक्स इसको जो फेयरिंग है वो लगाई गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो टीवीएस की राइडर बाइक है उसका एक फ्लैक्स फ्यूल वाला वेरिएंट शोकेस किया है। तो अब ये जो फ्लैक्स फ्यूल है E20 कंप्लायंट इसको बना दिया है। 20% इथेनॉल वाला फ्यूल इसमें आप चला सकते हो। तो इस तरह से इसको यहाँ पे शोकेस किया गया है। सामने जानी मानी अपाचे आरटीआर 164 भी इसको शोकेस किया है। सो ये भी एक फ्लैक्स फ्यूल इथेनॉल बेस्ड मॉडल ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक साइकिल का भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल का कॉन्सेप्ट इस तरह से दिखाया है। सो ये भी टीवीएस के पवेलियन पे शोकेस करी गई है। नाउ इस तरफ टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर IQ, इसका ST वेरिएंट इस तरह से इसको शोकेस किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइस ये है टीवीएस का एक और स्पोर्टी स्कूटर जो कि टीवीएस एक्स, जिसको टीवीएस ने ऑलरेडी अनवील किया था। तो इंडिया में आ चुका है ये टीवीएस एक्स। तो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, परफॉर्मेंस बेस्ड। सो इसका ओवरऑल इस तरह का डिज़ाइन और काफ़ी बड़ा इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आप देख सकते हो। सो ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें जो चेसिस है ऑल एल्यूमिनियम चेसिस, बाकी इसके जो पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है जो बिल्ड है वो एकदम अप मार्केट है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट भी है काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइस नाउ यहाँ पे एक और ये स्पेशल बाइक टीवीएस ने शोकेस कर रखी है। ये है टीवीएस की एक रोनिन बेस्ड स्क्रैम्बलर बाइक, जिसका प्लेटफॉर्म टीवीएस रोनिन का है, बट इसमें सब मॉडिफिकेशन करके इसको एक स्क्रैम्बलर लुक में चेंज करा गया है। सो आप देख सकते हो टीवीएस की रोनिन बेस्ड इस तरह से जो इसका नाम रखा है वो है रिफॉर्मा। सो इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड जो लुक है वो आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
सो नाउ गाइस, ये एक और बाइक है TVS रोनिन बेस्ड, जिसको बॉबर लुक में यहाँ पे रेडी किया है TVS ने। तो आप देख सकते हो TVS ने रोनिन बेस्ड बॉबर बाइक को यहाँ पे शोकेस किया है। सो इस तरह से इसका जो लुक है वो मैं दिखा देता हूँ। एक जावा की जो बाइक है उस तरह का इसका लुक है, बट ये TVS की है। सो अगेन ये रोनिन बेस्ड एक बाइक है जिसको बॉबर में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट गाइस, ये है बहुत ही एक एक्सक्लूसिव बाइक जिसको TVS ने शोकेस किया है फर्स्ट टाइम। तो ये है नॉर्टन, जो ब्रांड था उसको TVS ने ऑलरेडी एक्वायर किया था, तो उसकी बाइक को यहाँ पे पहली बार शोकेस करा गया है। सो ये है नॉर्टन की V4CR बाइक जिसको TVS अब ओन करता है। तो TVS ने इसको शोकेस किया है यहाँ पे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में। सो आप देख सकते हो इस तरह से इसका जो लुक है वो काफ़ी बल्की सा, काफ़ी हैवी सा लुक है। आई थिंक 1000cc की ये बाइक होनी चाहिए, बट स्पेक्स मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। तो आप लुक देख सकते हो इसका, काफ़ी वाइड, आई थिंक 180 सेक्शन का रियर टायर है। बाकी आप सस्पेंशन देख सकते हो, होल इंच के सस्पेंशन, एंड इसकी सीट है वो राइडर ओनली सिंगल सीट है, तो इसमें पिलियंस के लिए कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं है। एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देख सकते हो, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो ये थी नॉर्टन की बाइक जिसको TVS ने पहली बार यहाँ पे शोकेस कराया। नाउ एक और प्रोडक्ट की तरफ हम आगे चलते हैं। तो ये है गाइस TVS की अपाचे जो 310 है, नेकेड वर्जन जो लॉन्च किया था। इस अपाचे 310 का एक जो बोल सकते हैं एक स्टंट के लिए तैयार करी गई है बाइक है। सो स्मोक्ड ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो इसमें जो इंजन वगैरह है वो अपाचे 310 का ही है, बट आप देख सकते हो इसमें फ्रंट में कोई हेडलाइट नहीं है, यहाँ पे कोई हेडलाइट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। तो इस तरह से इसको सिर्फ स्टंट के लिए डिज़ाइन करा गया है। सो इसका इंजन वगैरह वही है, रिवर्स इंक्लाइंड इंजन, और टायर भी देख सकते हो पूरा एकदम से विदाउट एनी ग्रिप। सो एक स्टंट बाइक, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। सो इस तरफ ये TVS के अपाचे 310 लगी हुई है, एज सच इसमें कुछ है नहीं, आप ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस ये है TVS की रोनिन जो ऑलरेडी मार्केट में आई रही है। सो ये है रोनिन, इसको भी शोकेस किया गया है। सो नाउ ये TVS के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं लाइक टी शर्ट, जैकेट्स एंड अदर एक्सेसरीज, हेलमेट्स वगैरह, इनको भी शोकेस किया गया है। इधर देखें तो अपाचे की RR310 फुली फेयर्ड जो बाइक है इसको शोकेस किया है अपाचे TVS की तरफ से। नाउ नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सो गाइस इस तरफ रेडर ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, रेडर स्पेशल नहीं है। इस तरफ ये यहाँ पे TVS का इंटॉर्क XT वर्जन, सो इसको यहाँ पे शोकेस किया गया है। सो हमें गाइस अभी TVS के पवेलियन में यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है। ये है TVS का जूपिटर स्कूटर, जिसको आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, नथिंग स्पेशल। सो यही था गाइस TVS का पवेलियन, जिसका मैंने आपको कवरेज दिया, एक वॉक अराउंड दिया। उसके लिए